गया है। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही। टेढ़ी मेढ़ी सब करके देख लिया कि एंगल चेंज करके लेट के देखती हूँ, कुछ करके देखती हूँ, कुछ नहीं हो रहा। कपड़े भी सुखाए आई, किचन भी संभाल आई, सब कराई। अब अनीता की वेट कर रही हूँ, समृद्ध आएगा 6:30-7 बजे तक। खाना भी खा चुकी हूँ आपके सामने, ब्रेड और वो खा चुकी। मुझे ना एक चीज़ पूछनी है आपसे, मेरे को ना मीठा बंद करना है, मीठा खाना बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि एक तो मीठे से फैट बहुत आ रहा है, दूसरा मीठे की क्रेविंग इतनी गंदी है ना, तलब बोलते हैं ना जिसे, तलब मुझे वैसे होती है। मुझे रोज़ जलेबी, छेना मुर्गी, बर्फ़ी, लड्डू, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ही चाहिए। और ये अभी थोड़े टाइम से हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। बहुत मन करता है बहुत। अभी वो पिछली जलेबी मेरी ख़त्म हो गई, कल परसों ख़त्म हो गई थी, तो कल मैंने आइसक्रीम मंगवा ली सैवी से रात को, तो क्वालिटी वाली तो मिली नहीं, और मैं चौकबार खाती हूँ वो मिली नहीं, तो ये वाड़ीलाल की ले आया। वाड़ीलाल की तो बिल्कुल बेकार है, वो 10 रुपये में इतनी सी आती है। चलो वैसे क्वांटिटी ठीक है कि कम ही खानी चाहिए, पर बिल्कुल बेकार टेस्ट होता है, अच्छी क्वालिटी की ही होती है चौकबार। तो वो खा तो ली पर तृप्ति नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। जो मज़ा जलेबी खा के आता है, बर्फ़ी खा के आता है, छेना मुर्गी खा के आता है, रसमलाई खा के आता है, स्पंज वाले गुलाब जामुन खा के आता है, और नहीं रसगुल्ले होते हैं स्पंज वाले, तो गुलाब जामुन खा के आता है, और जल्दी बताओ ना और मिठाई होगी ना। लड्डू तो मैंने बोला ही है, पर मुझे ना जोधपुरी लड्डू जो दीदी के घर खाए थे ना, ओहो इतना टेस्टी लड्डू था वो, मतलब शर्मो शर्मी खाया तो एक ही, पर मन कर रहा था कि आते हुए ना एक डब्बा उठा के ले आऊँ उनके घर से, इतना स्वाद था वो लड्डू। मैं कभी मौका पड़ा ना मैं दीदी को बोलूँगी कि वहाँ से मेरे लिए लड्डू भेजें, पहले मैं अपनी सेवियाँ तो भेज दूँ। अभी तक वो डब्बा इतना बचा हुआ है, सिर्फ इतना सा बचा हुआ है, इतना सा, आधा किलो के करीब और सेवियाँ मैदा लगेगा और वो फुल हो जाएगा। और बाहर की हालत दिखाती हूँ आपको, कि वो बाहर कमरे में ही नहीं जा रही मैं, क्यों, क्योंकि बाहर जाती हूँ ना वो कचरा पट्टी देख के ना, सारा बिखरा हुआ देख के मेरे को गुस्सा आ जाता है, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। चलो आपको दिखाऊँ मम्मी हड्डे, ये देखो डब्बे अभी भी यही हैं, राशन के चावल, ये राशन मैंने खोला ही नहीं, ये और बिखेरा मचेगा। ये देखो कुशन कहाँ जा रहे हैं, ये डॉग फूड जो ज़रूरत का था वो तो डाल दिया डब्बों में, ये एक्स्ट्रा है, ये बेड में वगैरह में जाना है, ऊपर की सफाई होनी है, कुछ नहीं हो पा रहा कुछ नहीं। और पता क्या हुआ, मैंने ना फ्रिज खोला था, दोनों कोको लूना आए थे, उनको भूख लगी थी, तो मैंने ना एग बॉईल किए थे उनके लिए, बट वो दोनों जाके फिर सो गए। तो मैंने फ्रिज में देखा मेरे टींडे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने ये छील के रख दिए हैं, आज बना दूँगी। अब मैं यही सोच रही हूँ कि एक तो टींडे बनाऊँगी और दूसरा, मैं वैसे तो गोभी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी है, तो दिया तो गोभी आलू लेके जाएगी टिफ़िन में, तो समृद्ध अपने लिए मैं मूंग मसूर की दाल बना दूंगी और टिंडे भी बना दूंगी, क्योंकि तड़का देखो एक तरफ लगाना है तो दूसरी तरफ भी साथ के साथ लग जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। और अभी ना मैं सोच रही हूँ कि वो भी देख लूँ, क्योंकि फ्रिज में ना कूलिंग ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, कि दिया ने भी छेड़ दिया है, तो मेरे को लग रहा है सही होने की जगह गलत हो गया है, तो गड़बड़ हो रही है कुछ फ्रिज में। कॉकरोच है क्या, कॉकरोच नहीं, तो वो कूलिंग की वजह से ना जो मिर्ची पड़ी है ना, दिया के लिए मिर्ची लेके आए थे, मुझे लग रहा है वो ना ख़राब हो जाए, वो भी बनानी पड़ेगी मुझे जल्दी से जल्दी। और मेरे ना गिफ्ट तैयार हो गए हैं, मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, तनु को बोलूंगी वो दिखाएगी अपने ब्लॉग में, तो अब आप समझ तो गए होंगे किसके लिए गिफ्ट है। चलिए मैं वापस से लेट रही हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा, आती हूँ। अब तो आती हो गई है, बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है मुझे, तो मैं लगी हूँ काम करने, सब्ज़ी बनाती हूँ, बर्तन संभालती हूँ, और अपना जो भी इवनिंग का काम है वो अब कर लेती हूँ। मैं तो सब बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा। मैंने परसों रात को घी निकाला था, कल का पूरा दिन निकल गया, घी भी नहीं पलटा मैंने, ये भी पलटती हूँ, सब सफा चट करती हूँ। भी थके चूर होके मैं आ गई हूँ, कहाँ गई मैं, ओ दोनों सब्जियाँ बन गई हैं, और बनाते बनाते में ही सेमी आ गया, और चावल मैंने बना नहीं रखे, दूध मैंने उबाल नहीं रखा, सुबह से कह रही हूँ काम नहीं है, काम क्या करूँ क्या करूँ, बिजी कैसे रहूँ, दिमाग ऐसा ख़राब है। दूध सुबह ही मंगवा लिया था पर उबाला नहीं था, क्योंकि नीचे से पतीला निकालना था, आलस के मारे उबाला नहीं, फिर उतनी देर में अनीता आ गई, मैं भी आके बैठ गई, कपड़े तय लगाने थे बहुत सारे। और अभी तो गर्मी का ये आलम है, ये देखो बाल पूरे गीले, धनिया पुदीना भी काटा ही हूँ साथ के साथ ही,
क्योंकि मैंने कहा चटनी भी साथ के साथ ही बना देती हूँ। और गोभी आलू गरम करके रख दिए, टिंडे बन गए, दाल बन गई, अब चावल बनाने हैं और दूध उबालना है। हे भगवान, एक दिन में इतना सारा काम। और अभी पता क्या हुआ, सैमी को मैंने कहा कि मैंने दाल भी बनाई है, टिंडे भी बनाए, कह रहा है जब टिंडे बना दिए थे तो दाल की क्या ज़रूरत है, वैसे ये खाता नहीं, अगर मैं दाल नहीं बनाती ना तो ये मुँह भी नहीं लगाता, कहता मैं मैगी खा रहा हूँ। ये हाल है इस बच्चे का ना। 10-15 मिनट आराम करती हूँ, उसको मैंने कहा रोज सा बना के रखा हुआ, वो पी ले आज तू। और पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता है, और स्पेशली ये राइट वाले पैर में तो इतनी तेज़ दर्द होती है ना। चले आती हूँ थोड़ी देर में, क्या रोना रोती रहूँ हर वक्त, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। आती धनिया पुदीना धो के रख दिया, प्याज काट लिए, ये बनी है टिंडा की सब्ज़ी, और ये दाल है जो लोग यहाँ से देख लीजिए, मूंग मसूर की दाल। ये रख दिए चावल जो कि बार बार खुल रहे हैं, खुलो क्यों खुल रहे हो, चाय और दूध। बैंड बज गया, कहते बैंड बज गया, इतना ज़बरदस्त वाला बैंड बज गया ना, बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। और चाय लेके एक ही बार अंदर जाऊंगी अभी, जबकि हो सकता है साथ में फुलके भी बनाने पड़े, क्योंकि दिया अगर गोभी आलू लेके जाएगी या मुझे टींडे खाने होंगे तो फुलके बनाने पड़ेंगे। दाल इतनी स्वाद बनी है, मज़ा आ गया। क्या बोलूँ, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, पहले मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ऐसे जीने से तो ना बोलूँगी नहीं, कहीं भगवान सुन ले तो। चलिए चाय लेके अंदर चलते हैं, अब बहुत गर्मी लग रही है। मैंने चटनी भी बना दी, चाय भी पी ली, दोनों बच्चों को कुछ खिला भी दिया, दोनों बच्चों मतलब लूना और कोको को। मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, इस गाउन में मेरे से नहीं बैठा जा रहा, तो मैं अब लगी हूँ नाइट सूट पहनने। कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, मेरे बस की नहीं है भैया, अब गर्मी मुझसे नहीं झेली जाती। और एसी चला चला के इतना दिमाग ख़राब हो गया, पता पिछले महीने का बिल कितना आया, 8,300 रुपये। टेंशन हो गया, टेंशन कहाँ से होंगे खर्चे को, एसी चल रहा है, गर्मी इतनी, किसको मना करूँगा, मैं तुम मना करती हूँ, चलो चेंज कर। थक हार के इसको खाना खिला के इसका टिफ़िन वगैरह सब पैक करके मैं आ गई हूँ। ये भी खाना मांग रही है, वो भी खाना मांग रहा है, वो दरवाजे में अटका हुआ है, और मुझे करना है वीडियो एंड। आज मैं नहीं करूँगी, आज मैं दिया से करवाऊँगी। दिया मैं इतनी देर से आवाज़ लगा दी, कहाँ थी तू, चल वीडियो एंड कर, आज तू एंड करेगी। नहीं, नहीं क्या, तू एंड करेगी, इधर आ जा इधर। तो क्या हो गया, काम छोड़ टाइम लोगों का, ये नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं हेल्प करते। कि अगर मैं कभी कह दूँ कि चलो कैमरा ही पकड़ लो, चलो कुछ खाना बना रही हूँ वो दिखा दो, आई एम जस्ट ऑल अलोन, और आपको भी मेरी बूठी देखनी पड़ती है। कोई नहीं, हम तो हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छे से, और अच्छे मूड के साथ। बेटा भी देगा, सैमी आके देगा, पैर चाट चाट के बुला रही है मुझे कि खाना दे दे, और इसको देना दही चावल। डॉक्टर ने सब कुछ तो मना कर दिया, रोटी नहीं देनी, पराठा नहीं देना, सब्जी चावल मतलब दाल वाल नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ पनीर या चावल, दही और पेडिग्री, और फ्रूट में भी बहुत लिमिटेड कोई फ्रूट है जिसमें मीठा कम होता है। ये हाल है, अब बताओ क्या करूँ मैं, हर वक्त कुछ दे नहीं सकती। अभी मट्ठी खिला के हटी हूँ, दोनों को चाय पी ली थी तो दोनों को खूब सारी मट्ठी खिलाई, फिर भी चलो मैं बाय कर रही थी। तो कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। अभी बैक में पेन है, गोली बोली खाऊंगी और सो जाऊंगी, नहीं अभी वीडियो एडिट करना। और आजकल पता नहीं क्या होता है, मैं इतना थक जाती हूँ, इतना क्योंकि पसीना बहुत निकलता है ना किचन की तरफ, तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है, इतनी थकावट हो जाती है, इतनी थकावट हो जाती है, कुछ करने की हद नहीं, राम चुन्नी फाड़ दी। चलिए फिर कल मिलेंगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, गुड बाय। मुँह से भी फुट दो, मुँह में आवाज़ लाउड कर रही हूँ मैं, बटन दबा रही हूँ। निकम्मी औलाद है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। दुख तकलीफ़ें तो ख़त्म होती ही नहीं है, कभी नहीं ख़त्म होती, और शायद मुझे लग रहा है कि अपना जीने का आधार ही यही है कि आप सुबह उठो तो क्या नया हो रखा है हमारे साथ। बट एक चीज़ बहुत अच्छी हो रखी है, दिखाती है देखा आपने,
इतने लाड से, इतने प्यार से मेरी टांगों के बीच में लेटी हुई है। थोड़ी देर पहले मेरी पीठ से पीठ लगा के लेट हुई थी, अब टांगों में जाके लेट गई है। गले और ये दाढ़ में, सर में यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी दिया आई है ना, तो मैंने दिया को बोला दिया चाय पिला दे, पेट्रोल डाल दे, मेरी गाड़ी में आज पेट्रोल नहीं है। देखो ये क्या कर रही है, वहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसको ना भूख लगी हुई है। जा दिया, दिया दे, दिया लूना को खाना दे दे बेटा, दिया इसको बुलाइयो, चाय रख लिया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये बच्चा इतना प्यारा है, शैतान बहुत है बट प्यारी भी बहुत है, बहुत प्यारी है। तो चलिए गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग हो गई है, तो अब दिनचर्या पे लगते हैं। वैसे मैं सुबह उठी थी 8:30 उठी थी, तो मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया था और साथ साथ मैंने ना अपना मशीन लगा दी थी, क्योंकि सुबह सुबह मोटर चलाई तो मुझे लगा कि मशीन लगा के छोड़ देती हूँ, तो जब तक मैं प्रॉपरली उठूँगी कपड़े धुल चुके होंगे, फिर बस सुखाने का काम रह जाएगा। लूची पूची, चलिए मैं ज़रा ब्रश व्रश करूँ और इसको कुछ खाने को दिलवाऊँ, नहीं तो मुझे खाती रहेंगे। आती चाय तो बना के दे दी मुझे दिया ने, और अभी अभी बहुत अच्छी बात हुई है, और दर्द हो गया ये सारे में, दर्द हो गया टॉन्सिल्स। अच्छी बात क्या हुई, सपना जी का कॉल आया सुबह सुबह, कल रात को मैंने उनको मैसेज करके छोड़ा था कि कोई नाराज़गी है तो दूर करो, प्लीज़ बात करो, नहीं तो एटलीस्ट तन्नू मुझे जवाब दे दे। तो उनका मैसेज आ गया और उनसे बात हो गई, फिर उनका कॉल भी आ गया कि मैं कोई नाराज़गी वाराजगी नहीं है, बस मेरे को फुर्सत नहीं मिल रही, एक तो बीमारी, दूसरा घर में आया गया बहुत हो रहा है इस वजह से। मैंने कहा मुझसे अगर आप थोड़ा टाइम बात नहीं करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, यार बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के लिए तो थोड़ा सा रहता है ना कि कहीं दोस्ती ना टूट जाए किसी भी वजह से, कोई जो एक छोटा सा प्यार का रिश्ता बना है ना वो ना टूट जाए। पर वो बहुत खुश हैं, उल्टा वो मुझे वहाँ बुला रहे, मैं उनको कह रही हूँ यहाँ आ जाओ मैक्स में या एम्स में दिखा लेते हैं, उल्टा मुझे कह रहे हैं आप चंडीगढ़ चलो मेरे साथ, हिसार चलो मेरे साथ, रोहतक चलो, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे। बट मैंने बोला उनको कि मेरा दर्द तो चलो वक्ती है कि मैं खड़ी होती हूँ, काम करती हूँ तो दर्द होता है, मैं लेटी हूँ तो कोई दर्द नहीं है, हल्का हल्का रहता है, कोई बात नहीं। आपका दर्द तो हर वक्त का है, मैं खा पी रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ, आप तो खा भी नहीं सकते हो, तो हर बार जाके ड्रिप तो नहीं चढ़वा सकते ना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक बार आप आ जाओ यहाँ पे दिखा लेते हैं, आप इलाज मत कराना, सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है, इलाज ठीक चल रहा है तो वेल एंड गुड वहीं से कराते रहो, अगर नहीं चल रहा तो लॉन्ग टर्म अगर चलना है तो यहाँ से इकट्ठा बल्क में, जैसे महीने की एक बार दवाई ले गए फिर महीने में आके एक बार चेक करा गए, ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने बोला तो है आप एक बार घर में सलाह कर लो, आगे 10 या 11-12 तारीख से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, तो आप यहाँ आ जाओ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, एटलीस्ट आपके साथ एक दो बार डॉक्टर के पास चल के समझ लेंगे कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर, समझ आ जाएगी चीज़ की बीमारी क्या है, और इलाज अगर सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से करवा रहे हो आपको जहाँ से कंफर्टेबल है वहाँ से करवाओ। देखो मैंने रिक्वेस्ट तो की है उनको कि आप आ जाओ यहाँ पे आके एक बार, सिर्फ एक बार सेकेंड ओपिनियन वाली बात कर लेते हैं, एक सलाह कर लेते हैं डॉक्टर से। मैक्स के जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं आपको बताऊँ मुझे इतना अंधा विश्वास है ना उन पर, जैसे मेरा ये स्पाइन का मैंने कहीं और से करवाया तो वो बिगड़ गया, बट मैंने समृद्ध के ना बोन्स में टेढ़ापन था, उसकी टांगे जो है वो टेढ़ी थी अंदर की तरफ, तो जब ये 13-14 साल का था तब हमें ये चीज़ पता चली थी कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी अगर हमने ऑपरेशन नहीं कराया, तो पैसों का इंतज़ाम करते करते मेडिक्लेम वगैरह के बारे में देखते करते हमें 2 साल लगते। तो तब जब समृद्ध को हम हॉस्पिटल लेके गए मैक्स, तो वहाँ पर तब ये 14-15 साल का था, तो उन्होंने जैसे करते करते टाइम देते देते कि इस दिन ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टेस्ट करा के लाओ, ये करा के लाओ, तो वो सब करते करते 1 साल और निकल गया। तो 16 साल का था जब हमने इसको एडमिट करवाया स्कूल में, तो वो जो 13 साल से 16 साल तक 3 साल बीते ना, 3 साल में इसकी बोन जो ऐसे थी, ऐसे टेढ़ी थी, मतलब ऐसे एज था उसका, वो ऐसे हो गई थी, थोड़ी सी सीधी हो गई थी। तो वहाँ गए तो वो डॉक्टर ने पुरानी रिपोर्ट्स देख के एडमिट कर लिया इसको, हमने पैसे वैसे जमा करा दिए, 30-40 हज़ार रुपये उन्होंने बोला जमा कराओ, 1.5 लाख का खर्चा है ऑपरेशन का, तो हमने पैसे जमा करा के इसको एडमिट करा दिया। और उसके बाद इसका कोविड टेस्ट भी हो गया है, कोविड टेस्ट के बाद समृद्ध का, तो वहाँ पे सीनियर डॉक्टर आए, जब वो लोग ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले मीटिंग होती है उनकी सीनियर डॉक्टर से, तो उन्होंने रिपोर्ट देखी, जो फ्रेश रिपोर्ट आई एक्सरे की, उसमें उन्होंने देखा कि इसकी बोन जो 28 डिग्री ऐसे थी वो समवेयर अराउंड 14 डिग्री हो गई थी,
तो उन्होंने साफ सीधा अपने जो डॉक्टर थे उनको क्लियरली बोल दिया किस लिए ऑपरेशन करो, बढ़ता बच्चा है, बोन सीधी हो रही है, तो हो सकता है 18-19 साल तक बिल्कुल सीधी हो जाए, क्यों ऑपरेशन करना है, वापस करो। और उन्होंने उसी वक्त हमें डिस्चार्ज दे दिया, समदिन को छुट्टी दे दी, हम लोग लेके घर आ गए, पूरा पैसा भी रिटर्न हो गया, सब कुछ हो गया। तो वही मैं सपना जी को कह रही थी, मैक्स में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो एक बार आ जाएं और आके यहाँ पे सेकंड ओपिनियन ले लें। इलाज ठीक चल रहा है तो क्या दिक्कत है, अपने आस पास से कराते रहो। बाकी ये मैडम आ गई है। गुड मॉर्निंग। बन रही है, चलिए मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से रखी है, और मैं पहले ब्रश करने चली गई थी, कपड़े सुखा रही थी, तो काफ़ी टाइम हो गया, ठंडी हो गई होगी। मेरी ना अभी दिया से बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होगी, मैं नहा के आई।